गुड इवनिंग, स्टार्ट करते हैं आज का न्यू सेशन। ओके, आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वीटीपी किस तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, सो आज का हमारा जो सेशन है उसका नाम है वीटीपी, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। काफ़ी आसान टॉपिक है पहली बात तो। सेकंड थिंग, वीटीपी मोस्टली हम लोग स्विचिंग के ऊपर ही चलाते हैं। ओके, बिकॉज इट्स अ ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करेंगे तो हम लोग नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्किंग एंड स्विचिंग, जो कि मैं राउटिंग एंड स्विचिंग की बात कर रहा हूँ, राउटिंग एंड स्विचिंग में आप देखोगे मैक्सिमम कंसेप्ट उसका मीनिंग उनके नाम में ही रहता है। यहाँ पे दिया है वीलैन, ओके, ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ओके, वीलैन ट्रंकिंग इट मीन्स कि हम लोगों ने इसके पहले में जो प्रैक्टिकल किए थे, एक में था वीलैन का कॉन्फ़िगरेशन किया था हम लोगों ने, किस तरीके से क्रिएट करते हैं सब कुछ हम लोगों ने जाना है। अगर आपको वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वाली वीडियो देख सकते हैं। सेकंड थिंग, उसके बाद आया था हम लोगों ने देखा था ट्रंकिंग, ट्रंकिंग किस तरीके से करते हैं, दो स्विच को जोड़ने का काम करता है, वीलैन का ट्रैफिक प्रोवाइड करने का काम करता है, जो कि हम लोगों ने ट्रंकिंग में देखा था। ओके, सो वीटीपी ये जो कंसेप्ट है, जहाँ तक मुझे लगता है ये वीलैन और ट्रंकिंग को जोड़ के बनाया हुआ कंसेप्ट है, और काफ़ी आसान कंसेप्ट है और इजी कंसेप्ट है। ओके, सो सबसे पहले मैं बताऊंगा वीटीपी का एग्जैक्टली हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट कंसिडर करो, ये मेरे पास एक स्विच है। इस स्विच के ऊपर मुझे मेरी कंपनी ने बोला कि आपको 5 वीलैंस क्रिएट करना है, और सेम रिप्लीकेट दिस वीलैन आपको इस वर्टिकुलर स्विच के ऊपर करना है। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस स्विच के ऊपर गया, इसके ऊपर कुछ वीलैंस क्रिएट कर दिए, उसके बाद सेकेंड स्विच के ऊपर गया, सेम वीलैंस यहाँ पे भी क्रिएट कर दिए, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो कंपनी का नया रिक्वायरमेंट आ गया, कंपनी बोलती है कि अभी आपको 10 वीलैंस क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पे 10 वीलैंस क्रिएट कर दिए, तो उसके सामने वाले स्विच के ऊपर भी जाके मैंने 10 वीलैंस क्रिएट कर दिए। कंपनी का फिर से एक रिक्वायरमेंट आया, कंपनी बोलती है कि आपको यहाँ पे 100 वीलैंस क्रिएट करना है, तो मैंने मैन्युअली 100 वीलैंस क्रिएट किए, उसके बाद कंपनी ने बोला सेम वीलैंस आपको अनदर स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगर करना है, क्रिएट करना है। ऐसा नहीं था मैं इस स्विच के ऊपर 100 वीलैंस कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता था, क्रिएट नहीं कर सकता था, मैंने कॉन्फ़िगर किया, बट प्रॉब्लम यह था कि कहीं ना कहीं मुझे एक या दो वीलैन मिसमैच होने का भी डर रहता था। ठीक है, एक या दो हो सकते हैं तो उसके ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ 100 के 100 वीलैंस प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं कर पाऊँ, मैं 100 के 100 वीलैंस भी प्रॉपर कॉन्फ़िगर कर पाऊँ, लेकिन उसके चांसेस थोड़े कम थे। लेकिन मैं गलती करूँ या मिसमैच हो जाए वीलैंस के बीच में, तो इसका थोड़ा सा रेशियो ज़्यादा था, एक या दो बार तो हो ही जाता है। ओके, तो इस चीज़ से, इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए मार्केट में जो प्रोटोकॉल आया वो था वीटीपी। वीटीपी एक काफ़ी आसान प्रोटोकॉल है। वीटीपी के अंदर तीन टाइप्स के मोड्स होते हैं, थ्री टाइप्स के मोड्स होते हैं। सो सबसे पहले मैं मोड्स की बात करूँगा, तो सबसे पहला मोड होता है सर्वर मोड, सेकंड होता है क्लाइंट मोड, एंड थर्ड होता है ट्रांसपेरेंट मोड। ओके, सो यहाँ पे मैं बताऊँगा कि हम लोग किस तरीके से कॉन्फ़िगर करने वाले सर्वर, क्लाइंट एंड ट्रांसपेरेंट मोड, और उसका यूज़ हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं फ़िलहाल तो आपको इसका थियोरेटिकल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जैसे मैं प्रैक्टिकल करूंगा तब आपका एक एक कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर भी हो जाएगा और प्रैक्टिकली आपको समझ में आ जाएगा। सो हम लोग इस तरीके से करते हैं आज। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्विच को मैं बना देता हूँ सर्वर, सर्वर स्विच, सर्वर मोड में कॉन्फ़िगर करूँगा, तो हम लोग उसको सर्वर स्विच बोल देंगे। इस पर्टिकुलर स्विच को मैं क्लाइंट स्विच बनाऊँगा, एंड इस पर्टिकुलर स्विच को मैं ट्रांसपेरेंट स्विच बनाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस स्विचेस के ऊपर वीलैन का कुछ कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं है। ठीक है, जहाँ तक मैंने तो कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो अभी हम लोग एक थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर देता हूँ वीलैन 10 नेम, नेम कुछ भी दे सकते हैं, लाइक मुझे नेम नहीं देना है तो भी पॉसिबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं शो वीलैन करके, देखो उसने ऑटोमेटिक नेम ले लिया वीलैन 0010। ओके, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया
मैं 1, 2, 5, 10 विलेंस तो आराम से कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा विलेंस है और उसको मुझे रिप्लिकेट करना है सामने वाले ने स्विच के ऊपर, नेबर स्विच के ऊपर, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक होने की क्षमता तो रहती थी। ओके, तो इसी चीज़ से मुझे छुटकारा पाना था, तो इसलिए मैं VTP कंसेप्ट का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं चेक करूँगा शो VTP स्टेटस। ठीक है, जैसे मैं शो VTP स्टेटस चेक करता हूँ, ये देखो बाय डिफॉल्ट ये सर्वर मोड में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, सबको ट्रांसपेरेंट मोड में कर देता हूँ। मैं बताऊँगा आपको धीरे धीरे सर्वर क्लाइंट एंड ट्रांसपेरेंट मोड क्या है, और वो प्रैक्टिकली समझ में आएगा तो बेटर फट से समझ में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ ट्रांसपेरेंट मोड में करने के लिए, ट्रांसपेरेंट मोड में करता हूँ VTP। मैं कुछ डोमेन नेम भी दे सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं CCNA का प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, तो मैं CCNA ही दे देता हूँ डोमेन नेम, VTP डोमेन नेम CCNA। ओके, ये देखो मैंने नाम चेंज कर दिया, अभी VTP वर्जन 2 यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, VTP मोड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो मैं यही कर रहा हूँ सभी स्विचेस के ऊपर ट्रांसपेरेंट, क्योंकि मुझे आपको क्लियरली बताना है कि सर्वर क्लाइंट का यूज़ कहाँ पे होता है। VTP डोमेन CCNA, VTP वर्जन 2, VTP मोड ट्रांसपेरेंट। ओके, यहाँ पे भी हो गया, और थर्ड वाला जो स्विच है उसके ऊपर भी मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ VTP डोमेन CCNA, VTP मोड, सॉरी VTP वर्जन 2, VTP मोड ट्रांसपेरेंट। ओके, देखो मैं इसको फर्स्ट स्विच कंसीडर कर रहा हूँ, इसको सेकंड, और इसको थर्ड स्विच कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मिस्टेक मत करना, ये लेक्चर पूरा देखो, सेशन पूरा देखो, आपको एंड तक पूरा प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, और आप अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं अपने पैकेट पैसे के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं शो VTP स्टेटस चेक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखता है, सभी के सभी स्विचेस अभी मैंने ट्रांसफर मोड में कर दिया। ये मेरे स्विच 1 का स्टेटस है, स्विच 2 का भी स्टेटस दिखा देता हूँ। शो VTP स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट मोड, डोमेन नेम भी दे दिया मैंने यहाँ पे, वर्जन 2 तो ऑलरेडी था। ठीक है, तो मैं मोस्टली इन दोनों चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। सेम है स्विच 3 के ऊपर भी, मैं आपको दिखा देता हूँ शो VTP स्टेटस। ओके, ऑलराइट, यहाँ तक का तो हमारा कॉन्फ्रेशन हो गया है। ओके, सो अभी क्या करता हूँ, जैसे कि मैंने बताया VTP वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, सो हमारे पास वीलैन एंड ट्रंकिंग होना चाहिए। जब भी हम लोग दो स्विच एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, सो डेफिनेटली वहाँ पे ट्रंक होना चाहिए। जब तक हम लोग ट्रंक नहीं करेंगे, तब तक वो वीलैन का कॉन्फ़िगरेशन पास नहीं करेगा। ओके, मतलब फॉरवर्ड नहीं करेगा। हालांकि ट्रंकिंग का काम क्या होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके प्रीवियस वाले सेशन में, जो कि मैंने ट्रंक का सेशन लिया था स्विच ट्रंकिंग। ओके, तो यहाँ पे जो मेरे पास कनेक्टेड राउट्स है, कनेक्टेड इंटरफेसेस है, इंटरफेसेस के ऊपर में कॉन्फ़िगर कर देता हूँ ट्रंक। यहाँ पे स्विच 1 के ऊपर 2 इंटरफेस कनेक्टेड दिख रहे हैं मुझे, एक दिख रहा है स्विच 2 को, एक दिख रहा है स्विच 3 को, तो यहाँ पे डाल देता हूँ स्विच बोर्ड मोड ट्रंक। इतना कमांड डालो तभी भी हो जाएगा। ये वाले स्विच के ऊपर जाके कॉन्फ़िगर कर देता हूँ इंटरफेस F0/1 स्विच बोर्ड मोड ट्रंक, ऑलराइट। और ये वाले स्विच के ऊपर जाके मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ इंटरफेस F0/ कौन सा है, 1। ओके, स्विच बोर्ड मोड ट्रंक। अभी तक कोई मैंने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया है। ओके, सिर्फ ट्रंक चला है। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखो, अभी यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, मैं इस पर्टिकुलर स्विच को एज अ सर्वर मोड में कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। ये जो सेकंड वाला स्विच दिख रहा है, इसको मैं क्लाइंट मोड में कॉन्फ़िगर करूँगा, एंड जो थर्ड वाला स्विच है मेरा, इसको ट्रांसपेरेंट मोड में कॉन्फ़िगर करूँगा। ओके, हालांकि इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे और किस तरीके से आएंगे, तो अब आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला स्विच ओपन किया, थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल VTP डोमेन ऑलरेडी दिया है, सो स्टिल में फिर से एक बार दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ओवरराइट हो जाएगा। और यहाँ पे मैसेज भी आ गया, डोमेन नेम इज़ ऑलरेडी सेट। ओके, वर्जन 2 जो कि ऑलरेडी सेट है,
VTP डोमेन नेम, ओके हो गया। चलो ठीक है, VTP वर्जन 2 यहाँ पे भी ऑलरेडी सेट है, VTP मोड सर्वर, ओके यहाँ तक मैंने कॉन्फ़िगर किया VTP मोड सर्वर। अभी मैं सेकंड वाले स्विच के ऊपर जाके उसको कॉन्फ़िगर करता हूँ VTP मोड क्लाइंट में। VTP डोमेन नेम CCNA जो कि ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है, VTP वर्जन 2 ये भी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है, VTP मोड क्लाइंट। जैसे मैंने VTP मोड क्लाइंट किया, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से होगा। उसके बाद लास्ट वाला जो स्विच है यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं उसको कॉन्फ़िगर कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट मोड में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी वो ट्रांसपेरेंट मोड में है, तो मुझे वहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, अगर मेरे पास यहाँ पे 5 VLANs है, सो मैं इजीली स्विच 2 के ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ विदाउट हेल्प ऑफ VTP। ओके, लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल VLANs मतलब 100 VLANs है, 50 VLANs है, 60 VLANs है, रैंडम VLANs है, सो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो सकती थी जब मैं नेबर स्विच के ऊपर वो VLANs कॉन्फ़िगर करूँ। तो इस सिचुएशन में मैं VTP का यूज़ किस तरीके से करूँगा। अभी मैं सेम एज सर्वर स्विच ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सर्वर मोड है, आप देख सकते हैं शो VTP स्टेटस करके, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे VLANs क्रिएट करता हूँ, VLAN 10 20 30 40 एंड 50। ओहो, इस तरीके से नहीं होता यहाँ पे, चलो ऐसे करते हैं, VLAN 10 VLAN 20 VLAN 30 VLAN 40 VLAN 50, ओके। देखो अभी तक मैंने क्या किया है, ये जो VLANs क्रिएट किए, जो मैंने VLANs क्रिएट किए वो सबके सब VLANs मैंने क्रिएट किए सर्वर साइड पे, ओके। लेकिन अभी मैंने VTP कंसेप्ट के थ्रू इस पर्टिकुलर स्विच के पास वो VLAN ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। ट्रांसफ़र कर दिए मीन्स क्या हो गया, ये अभी यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ तक पे तो मैंने अभी तक VLANs कॉन्फ़िगर नहीं किए, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे शो VLAN चेक करता हूँ तो आपको वो VLANs दिख जाएंगे, करेक्ट। सो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे इस सिचुएशन में, सर्वर क्या करता है, मोस्टली सर्वर कैन क्रिएट द VLANs, ये VLANs क्रिएट कर सकता है, VLANs को डिलीट कर सकता है और पर्टिकुलर VLANs को मॉडिफाई भी कर सकता है, ठीक है। ये सर्वर VLAN का सर्वर मोड में काम होता है, ओके। लेकिन क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट का काम होता है सर्वर जो भी इंफॉर्मेशन देगा उसको सुनने का, अपने डेटाबेस में अपलोड करने का, अपने डेटाबेस में रखने का, इतना ही काम होता है, इसके ऊपर क्लाइंट कुछ भी काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ट्रांसपेरेंट क्या करता है, ट्रांसपेरेंट बोलता है मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, ना तो मैं क्लाइंट की सुनूंगा ना तो मैं सर्वर की सुनूंगा, मैं तो अपनी मर्जी का करूंगा, ठीक है। मतलब अगर मैं ट्रांसपेरेंट के ऊपर जाके शो VLAN चेक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ VLANs क्रिएट करता हूँ, लाइक VLAN 11 VLAN 22, देखो यहाँ पे मैंने 2 VLANs क्रिएट किए, लेकिन इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है सर्वर साइड पे। देखो यहाँ पे कोई भी 11 एंड 22 नाम का VLAN नहीं आया। सेम एज क्लाइंट साइड पे भी चेक करता हूँ, क्लाइंट साइड में भी कुछ भी इफेक्ट नहीं आया ट्रांसपेरेंट का। तो ट्रांसपेरेंट क्या बोलता है, ट्रांसपेरेंट बोलता है कि मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं अपने VLANs खुद क्रिएट करूँगा, खुद डिलीट करूँगा, दैट इज़ माई लुकआउट। मतलब ये क्लाइंट की भी नहीं सुनेगा, सर्वर की भी नहीं सुनेगा, ठीक है। इस तरीके से ट्रांसपेरेंट VLAN वर्क करता है। लेकिन सर्वर VLAN किस तरीके से करता है, सर्वर VLAN खुद क्रिएट करता है VLAN और वो क्लाइंट को पास करने का काम करता है, ओके। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे क्लाइंट पे देख लेता हूँ, मैं यहाँ पे मुझे 60 70 वगैरह VLANs नहीं दिख रहे, तो अभी मैं सबसे पहले जाता हूँ सर्वर साइड पे और यहाँ पे मैं न्यू VLANs क्रिएट करता हूँ 60 एंड 70 VLAN 60 एंड VLAN 70, ओके। 2 VLANs क्रिएट की, यहाँ पे चेक कर सकते हैं शो VLAN। अभी ये VLANs मैंने स्विच 2 के ऊपर कॉन्फ़िगर नहीं किया है, देखो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी देखो स्विच सर्वर स्विच के थ्रू, सर्वर मोड में जो स्विच है उसके थ्रू ऑटोमेटिक क्लाइंट के पास आ जाएगा, देखो आ गया, ठीक है।
चलो जैसे कि मैंने बताया कि क्लाइंट के पास तो अनुमति नहीं रहती है कि विलेंस क्रिएट करना डिलीट करना, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे भी ट्राई करके देख लेता हूँ कि हम लोग विलेंस क्रिएट कर सकते हैं क्या। तो मैं यहाँ, ये क्लाइंट है फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे देख सकते हैं शो वीटीपी स्टेटस, ये देखो क्लाइंट है। क्लाइंट पे मैं विलेन 70 हो गया 80 क्रिएट करके देखता हूँ, विलेन 80। ये क्या बोलता है, VTP VLAN configuration not allowed when device is in client mode। जब भी ये क्लाइंट मोड में होता है तो हम लोग VLANs को क्रिएट नहीं कर सकते, इस तरीके से बोला है, क्योंकि इसका काम होता है सर्वर जो भी बोलेगा उसकी इन्फॉर्मेशन सुनने का है। ओके चलो ठीक है, मैं तो क्रिएट नहीं कर सकता तो मैं डिलीट करके दिखाऊंगा VLAN। ओके सो देखते हैं हम लोग डिलीट होता है कि नहीं। सो VLAN 30 को डिलीट करके देखता हूँ, सेम एज नो VLAN 30। तो ये फिर से सेम मैसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो मैसेज में वही बोल रहा है कि तू क्लाइंट है भाई, तू डिलीट नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब समझे, इसका मतलब क्लाइंट साइड में हम लोग विलेन को डिलीट भी नहीं कर सकते, क्रिएट भी नहीं कर सकते, खाली जो सर्वर बोलेगा उसको सुनना है हमें। ओके अभी यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट मोड तो अपनी मर्जी का मालिक है, वो तो बोलेगा मैं तो अपने विलेंस खुद क्रिएट करूँगा, खुद डिलीट करूँगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, इस ट्रांसपोर्ट मोड को चेंज करके क्लाइंट मोड में डाल देता हूँ। जब ये क्लाइंट मोड में जाएगा तो ये सर्वर क्या बोलेगा, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं तुझे प्रोवाइड करूँगा और वो तुझे इन्फॉर्मेशन रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चेंज करता हूँ VTP डोमेन CCNA VTP वर्जन 2 VTP मोड क्लाइंट। और अभी ये क्लाइंट में चला गया, अभी देखो यहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं, शो VLAN आने चाहिए एक सर्वर साइड से हमें विलेंस। तो देखो जैसे एंटर करता हूँ कुछ दिख रहा है आपको, ये सब के सब विलेंस थे सर्वर के साइड में, ठीक है। जैसे मैंने VTP डोमेन क्लाइंट किया सो क्या हो गया, इसने सर्वर की बात मानी और सर्वर से सभी के सभी विलेंस ले लिए, और जो खुद के विलेंस थे वो रिमूव कर दिए। देखो इसने, इसके पास 11 और 22 विलेंस था, अगर आप वीडियो थोड़ा पीछे लेके जाते हो तो, जो मैंने क्रिएट किया था वो भी नहीं है, तो इसने भी सर्वर की बात मानना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अभी सर्वर जो बोलेगा वो वही काम करेगा क्लाइंट, इस तरीके से VTP वर्क करता है, काफ़ी आसान है, काफ़ी इजी है, आप इस तरीके से प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। ओहो ये मैंने क्या किया, चलो वैसे भी हमारा प्रैक्टिकल हो चुका था, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान प्रैक्टिकल है, आप ये घर पे कर सकते हैं, और लाइक इट्स वेरी गुड प्रैक्टिकल, आपको समझना है सर्वर कैसा है, क्लाइंट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट मोड किस तरीके से वर्क करता है। तो आप ये सेम टोपोलॉजी यूज़ करके देख सकते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि अगर आप 100 ऑफ विलेंस भी क्रिएट करते हो तो VTP सर्वर, मतलब जो स्विच को हम लोगों ने सर्वर बनाया है, वो क्लाइंट को अपने विलेंस पास करने का काम करेगा। इसके थ्रू हमारे लाइक 0% चांसेस होते हैं विलेन मिसमैच होने के। तो यही प्रोडक्शन लेवल में भी यूज़ होता है, सो काफ़ी इजी तरीका है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी एज वेल एज कंसेप्ट बहुत यूज़फुल है, इंटरव्यू में इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये वाला वीडियो देखो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक आप किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख सकते हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ मैं, और मेरा टारगेट है कि वीकली 3 या 4 वीडियोज़ अपलोड करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।